गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो चलिए हम बात करते हैं अपने कुछ मेथड और कुछ और विधियों के बारे में। इसके पहले हम दो तीन मेथड पढ़ चुके हैं, जैसे कि हमने उसके पहले पढ़े हैं आगमन और निगमन मेथड या आगमन और निगमन विधि। इसके बारे में मैंने पिछले आपके क्लास में बताया भी था। अगर आप इसमें से कोई भी स्टूडेंट जो आज नया पहली बार इसको देख रहा होगा, तो आप जाके पीछे इसकी क्लास में आप देख लीजिएगा, या पीछे वाले जो वीडियो है इसमें देख लीजिएगा। इसको जो 6 पार्ट है या बाकी जो बचे 7 पार्ट है उसमें आप देखिएगा। आगमन और निगमन मेथड को काफी अच्छी तरह समझाया गया, पढ़ाया गया है। और सेकेंड हमने बताया था इसकी पिछली क्लास में संश्लेषण एवं विश्लेषण विधि, संश्लेषण एवं विश्लेषण विधि बताया था। ठीक है, तो ये भी क्लासेस खत्म हो गई थी। तो आज हम शुरू करते हैं नेक्स्ट अपना एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल यानी कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रयोगात्मक, प्रयोगात्मक विधि। ठीक है स्टूडेंट, आपने इसका नाम भी सुना होगा, प्रयोगात्मक विधि। और आप लोग स्टार्टिंग से आप 9th हाई स्कूल इंटर वगैरह में रहे होंगे, तो काफी प्रैक्टिकल वगैरह भी किए होंगे, जिसका नाम भी आप सुने होंगे, आप किए भी होंगे प्रैक्टिकल, तो इसी से रिलेटेड है। कहीं कहीं कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि इसका नाम मतलब उनको बोला गया है, या वो बताते भी हैं कि प्रयोगात्मक विधि जो है आपके साइकोलॉजी में भी कभी किया आता है। साइकोलॉजी जो आप पढ़ते हैं यानी कि मनोविज्ञान, जिसमें बाल मनोविज्ञान, ठीक है, आपके बीएड वगैरह में है, बाल मनोविज्ञान के रूप में है, तो साइकोलॉजी में भी आता है प्रयोगात्मक। तो आप एक बार इसको ध्यान दीजिएगा, जो साइको में आता है प्रयोगात्मक विधि वह जो है अलग होता है, और जो टीचिंग मेथड की प्रयोगात्मक विधि है वो अलग होती है। इसको आप ध्यान दीजिएगा, जब भी एग्जाम में ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो आप जिस पे जरूर पढ़िएगा इसको, एक बार फिर से दोबारा तिबारा 3 बार पढ़िएगा, 4 बार पढ़िएगा, हो सकता है वो जो है बच्चों से रिलेटेड क्वेश्चन हो, या फिर साइको के अंतर्गत पूछा हो कि प्रयोगात्मक विधि में कैसे क्या यूज करते हैं, या फिर कुछ और क्वेश्चन बनाए इसको रिलेटेड इसको लेके, या फिर टीचिंग मेथड का अगर लेके बनाता है, तो फिर आप इसको ध्यान एक बार दोबारा पढ़िएगा कि हाँ मेथड से ही रिलेटेड है। क्योंकि देखिए ये दोनों में काफी अंतर है। जब हम साइको के अंतर्गत प्रयोगात्मक विधि का अध्ययन करते हैं या इसको पढ़ते हैं, तो हम बच्चे को पढ़ते हैं। आप जानते हैं जो बाल मनोविज्ञान होता है आपके बीएड में या फिर डीएलएड में, या फिर जो सी टेट या टेट या फिर एसटेट या किसी में आता है, तो उसमें क्या होता है, वो बाल मनोविज्ञान से संबंधित होता है, मतलब बच्चों से संबंधित होता है। ठीक है, तो बच्चों से संबंधित होने का मतलब क्या होता है, हम बच्चों के बारे में पढ़ते हैं, मतलब बच्चों के खास करके उसके बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं, और बच्चे के बिहेवियर में क्या वांछित परिवर्तन हो सकता है, या बच्चे के व्यवहार को जानने के लिए हम जो है इस प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग करते हैं। एक बार ध्यान दीजिएगा, बच्चे के व्यवहार को जानने के लिए हम क्या करते हैं, प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग करते हैं, लेकिन किसमें, साइकोलॉजी में करते हैं। लेकिन जब वही मेथड की बात आती है, जब मेथड के अंतर्गत हम प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग करते हैं, तो बच्चे के व्यवहार में जो परिवर्तन हमें करना है, मतलब हम बच्चे के व्यवहार में क्या परिवर्तन करें, इसमें हम करते हैं क्या परिवर्तन करें, क्या परिवर्तन का मतलब समझ रहे हैं, मतलब कि वो बच्चा जो है उसके व्यवहार में या वो सीखने की जो उसकी प्रवृत्ति है वो कैसी है, वो क्या सीख रहा है। ठीक है, वो जो कर रहा है या जो प्रयोग के द्वारा, प्रैक्टिकल के द्वारा वो किस विधि का प्रयोग कर रहा है, किस उपकरण का प्रयोग कर रहा है, या वो क्या पा रहा है, तो इसलिए उसमें क्या परिवर्तन करना। लेकिन यहाँ पे उसके व्यवहार से संबंधित होता है, लेकिन यहाँ पे जो है व्यवहार से संबंधित न होके बल्कि वो और क्या सीखता है, इसका मतलब समझ रहे हैं ना। देखिए अब इसे हम लिख देंगे तो आप और क्लियर कर देंगे, या क्लियर आपसे हो जाएगा, बच्चे के व्यवहार को जानने के लिए, इसको ध्यान दीजिएगा, बच्चे के व्यवहार को जानने के लिए। ठीक, और इसमें होता है बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन के लिए, इसमें होता है बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन, इसमें ध्यान दीजिएगा, बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन के लिए होता है। यहाँ बच्चे के व्यवहार को जानने के लिए, और व्यवहार को जानने, यहाँ जानने का मतलब क्या, उसकी रुचि कैसी है, समझ रहे, उसकी रुचि कैसी है, उसकी पसंद नापसंद क्या है, उसका मन किस चीज में लगता है। ऐसा नहीं होता छोटे बच्चे होते हैं कि नहीं तुम्हें बड़े होके ये बनना है, माँ बाप का होता है ना कि हमें बड़े होके हमारे बच्चों को ये बनाना है, ये बनना है, तो हम बिना उनके व्यवहार को समझे, बिना उनके व्यवहार को जाने, हम उनपे केवल थोप देते हैं कि तुम्हें ये सब्जेक्ट, अगर उसको कला लेके पसंद है पढ़ना तो नहीं है, उसको साइंस पढ़ाना, उसको डॉक्टर इंजीनियर बनाना, यदि वो डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहता है तो हम क्या कहते हैं, नहीं उसको टीचर बनना है या फिर उसको कुछ और। ठीक है, तो ये बच्चे के व्यवहार को जानने के लिए हम क्या करते हैं, साइको के अंदर एक्सपेरिमेंटल मेथड का प्रयोग करते हैं, या फिर उसके अंतर्गत इसको पढ़ते हैं। लेकिन जब हम टीचिंग मेथड के बारे में, देखिए मेथड हम बताए थे विधि,
विधि हम बताया थे, अब पिछली क्लास में हम इसको विधि बताए थे। विधि मतलब क्या होता है? तरीका होता है, हमने बताया था। विधि का मतलब क्या होता है? तरीका होता है, यानी कि हम किस तरीके से, किसके माध्यम से हम जो है बच्चों को सिखा रहे हैं, बच्चों को समझा रहे हैं कि उसको समझ में आ रहा है, उसके व्यवहार में कोई परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये बातें क्लियर हो गई। अब आते हैं हम एक्सपेरिमेंटल मेथड पे आते हैं। एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या होता है, इसका पहले आप एक बार इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें किन शिक्षण सूत्रों का प्रयोग होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कौन कौन से शिक्षण सूत्र इसमें आते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड में। खास जैसे हमने बताया था आगमन निगमन में बताया था, ठीक है, सशस्त्र विशिष्ट मेथड ने बताया था। अब आते हैं हम एक्सपेरिमेंटल मेथड के सूत्र। इसमें मेन सूत्र क्या होता है, आप ध्यान दिए होंगे छोटे बच्चों में या आप प्राइमरी की बुक्स में देखे होंगे साइंस में लिखा होता है क्या, करके सीखो, लिखा होता है कि ना, करके सीखो, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल मेथड का ही क्या होता है, शिक्षण सूत्र होता है, करके सीखो। मतलब हम जब बच्चों कहते हैं कुछ भी ऐसे ना, मतलब कुछ लिखा हुआ है तो आप सीख लिए, या किसने व्याख्यान भी दे दिया या कोई बोल दिया तो आपने उसको सीख लिया, तो ऐसे नहीं। यहाँ पे होता है एक्सपेरिमेंटल मेथड में होता है कि सूत्र क्या होता है, करके सीखो, मेन इसका सूत्र ये होता है। इसके अलावा भी इसमें क्या होता है, अवलोकन द्वारा सीखना, अवलोकन द्वारा सीखना, ठीक है। अभी इससे हम इम्पोर्टेंट जो है कि जो क्वेश्चंस पूछते हैं एग्जाम में उसको भी बताएंगे, ठीक। तो यानी इसका शिक्षण सूत्र होते हैं करके सीखना, अवलोकन द्वारा सीखना, ज्ञात से अज्ञात इसमें होता है, स्थूल से सूक्ष्म भी होता है, ध्यान दीजिएगा। इसमें जो है ज्ञात से अज्ञात होता है, स्थूल से सूक्ष्म भी होता है, लेकिन इसमें मेन रूप से क्या है, करके सीखो और अवलोकन द्वारा सीखने पर ज्यादा डिपेंड करता है। कैसे, जब प्रयोगात्मक विधि आपने देखा होगा, जब आप हाई स्कूल इंटर में रहते हैं तो आपको क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है साइंस, खासकर साइंस, इसमें एक और आप जोड़िएगा कि ये जो है खासकर विज्ञान के रूप में या विज्ञान सब्जेक्ट में ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन हम विज्ञान मेथड, विज्ञान जो सब्जेक्ट जो बच्चों को पढ़ाने आप जाते हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। ये नहीं कि आप अगर साइंस के स्टूडेंट नहीं है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आप क्योंकि कोई भी टीचर बनेंगे तो ऐसा नहीं, अगर आप प्राइमरी लेवल के टीचर बनते हैं उसमें आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाने होते हैं, सारे सब्जेक्ट देखने होते हैं, या आप एग्जाम देते हैं प्राइमरी टेट का देते हैं, प्राइमरी सीटेट का देते हैं, तो उसमें सारे सब्जेक्ट का आपको जवाब देना होता है, ठीक है। तो उसमें साइंस वगैरह भी होता है, इन्वायरमेंट साइंस भी होता है, तो इसमें या पेडागोजी के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें पेडागोजी से पूछ सकता है कि ये करके सीखना या इन किस मेथड पर आधारित है या किस विधि के अंतर्गत आता है, तो ठीक है। इतना क्लियर हुआ, यानी कि यह विज्ञान विषय के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें शिक्षण सूत्र होता है करके सीखो अथवा अवलोकन द्वारा सीखना। यहाँ पे क्या होता है कि बच्चा जो होता है ये वो व्यक्तिगत रूप से, व्यक्तिगत मतलब खुद, उसमें कोई ये नहीं होता कि नहीं तुम करो मैं देख रहा हूं, ऐसा नहीं होता। वो क्या होता है व्यक्तिगत रूप से, मतलब स्वयं, व्यक्तिगत मतलब होता है जब स्वयं कोई व्यक्ति वहां पे रहा, अपने आप को लेके खड़ा होकर वहां पे कुछ काम करता है या खुद कोई चीज सीखता है, करके सीखता है, ठीक है, तो वहां पे व्यक्तिगत हो जाता है। यानी कि व्यक्तिगत रूप से जब कोई काम खुद करता है या कोई प्रयोग करता है, कोई प्रयोग करता है, प्रयोग के द्वारा कुछ सीखता है, प्रयोग के द्वारा जो सीखता है, ठीक है, वही क्या होता है, इसमें प्रयोगात्मक विधि होती है, ठीक। इसमें क्या होता है, वह सूचनाओं को एकत्र करने के बाद प्रयोग व अवलोकन के आधार पर पूर्व निर्धारित नियमों का सत्यापन करता है। जैसे कि हमने साइंस में कोई नियम बता दिया, कोई भी नियम आप ले लीजिए, ठीक है, या फिर नियम के अलावा भी, जैसे कि आप बायो वगैरह में कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं कि हाँ इसमें देखते हैं इसको इसमें क्या पाया जाता है, या फिर किसी का जैसे मेढक वगैरह का भी कभी कभी एक्सपेरिमेंट होता है, या फिर छोटे जो स्लाइड वगैरह बनाते हैं, जैसे आलू को स्लाइड काट के बनाते हैं, या फिर पत्तियों को हम देखना होता है उसमें छोटे छोटे स्ट्रोमेटा वगैरह कैसे क्या कहाँ पे है, ठीक है, तो स्लाइड बनाए उसका जो सेक्शन काटना होता है, तो ये सारी चीज क्या होती है, हम उसको लैब में ले जाते हैं, फिर क्या उसको सत्यापित, मतलब नियमों का सत्यापन होता है, नियमों का सत्यापन, क्योंकि इसको हम पहले पढ़े होते हैं, ये नियम बना होता है कि ये चीज ऐसा है, ठीक है। जैसे आक्रमण जी का सिद्धांत ही, तो वो नियम पहले से बना होता है, हम बस क्या करते हैं उसको ले जाते हैं, उसको प्रयोगशाला में जाते हैं, ठीक है, प्रयोगशाला में जाके उसमें जो जो उपकरण यूज होते हैं और जैसे जैसे उसकी विधि होती है, हम एक टीचर की जो वहां पे शिक्षक होते हैं वो हमारी थोड़ा बहुत सहायता करते हैं, उनके हम ऑब्जर्वेशन में या उनके जो है पर्यवेक्षण में हम क्या करते हैं उस चीजों को रखते हैं और देखते हैं कि क्या ये जो नियम पहले से बना हुआ है वो सत्य है कि नहीं। यदि हमारे एक्सपेरिमेंट वहां पे सही होता है तो हम कहते हैं हाँ ये नियम क्या है, सही है, ठीक है। तो इस तरह एक और हमारा इसमें क्या हो गया कि इसमें जो प्रयोग व अवलोकन के आधार पर पूर्व निर्धारित नियमों का क्या करते हैं, हम सत्यापन करते हैं, ठीक है।
यह साइंस की सबसे जो है इम्पोर्टेंट विधि होती है, और एक तरह से और यह भी है कि यह अन्य विधियों के पीछा, मतलब जो आप अभी तक पढ़े हैं आगमन निगमन संश्लेषण विश्लेषण या फिर आगे जो पढ़ने वाले हैं, ठीक है, बहुत सारे अभी आप लेक्चर मेथड पढ़ेंगे या फिर उसके बाद आप अवलोकन मेथड पढ़ेंगे या फिर ह्यूरिस्टिक मेथड पढ़ेंगे, मतलब इसके अलावा जो भी मेथड है उनके अपेक्षा यह विधि क्या होती है, अधिक उपयोगी होती है, व्यवहारिक होती है और वैज्ञानिक होती है, क्योंकि हम इसमें जो प्रयोग करते हैं उसको हम फिर लागू कर सकते हैं कहीं और, हम इसको लागू करके देख सकते हैं कि सत्य है कि नहीं सत्य है, ठीक है। और सबसे अधिक इंपॉर्टेंट यह शिक्षक की जो योग्यता पर डिपेंड करता है, योग्यता मतलब जैसे कि वो टीचर जो होता है कितना योग्य है, ठीक है, उसकी योग्यता पर, उसकी क्षमता पर, और सबसे अधिक क्या होता है उसकी सूझबूझ, यहाँ पे उसमें सूझबूझ पे भी डिपेंड करता है कि उसका सूझबूझ कितना, मतलब वहां पे काम कर रहा है, कोई बच्चा कुछ पूछ रहा है, कोई बच्चा गलत एक्सपेरिमेंट कर रहा है या फिर किसी बच्चे में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो अपने सूझबूझ से कितने अच्छे से वो सॉल्व कर दे रहा है, तो वो शिक्षक के जो है योग्यता पर, उसकी क्षमता पर डिपेंड करता है, ठीक है। और यह काफी आत्मविश्वास की प्रवृत्ति होती है, मतलब बच्चा जो है बहुत ही विश्वास के साथ बहुत ही रुचि लेके वो काम करता है और सीखता है, ठीक है। इतना सारा क्लियर हुआ आप लोग को, इसमें कोई भी आप लोग को प्रॉब्लम होगी, कुछ भी परेशानी होगी आप कमेंट में बताइएगा इसमें आपको क्या समझ में नहीं आया, ठीक। इसमें कभी कभी एक चीज और मिलता है, आप इसमें कभी क्वेश्चन वगैरह में पूछ देता है कि यह जो है व्याख्यान विधि मतलब इसमें रिलेटेड क्यों नहीं, या फिर व्याख्यान इसमें इम्पोर्टेंट क्यों नहीं, या फिर प्रदर्शन विधि, क्योंकि प्रदर्शन विधि में भी तो हम कुछ दिखा के सीखते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा यहां जब भी कोई मेथड की बात आती है तो उसको हमेशा किससे जोड़ते हैं, अधिगम से, अधिगम मतलब लर्निंग, लर्निंग यानी कि सीखना, समझ रहे हैं, सीखना मतलब कोई बालक किसी चीज से कितना सीखता है। अब जब सीखने का नाम आया तो आप वहां पे खुद समझ सकते हैं कि कोई भी बालक है तो वह जो है व्याख्यान से अधिक सीखेगा या फिर अवलोकन से या फिर एक्सपेरिमेंट से, समझ रहे हैं। जैसे कि अब इसका एक सिंपल एग्जांपल लीजिए कि घर में जब मम्मी लोग खाना बनाती हैं या फिर पापा अपने कोई भी चीज की मरम्मत कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, तो जब बच्चा वहीं पे एक बालक है, वहां पे एक उसका बालक है, तो वो क्या करता है, पहले कोई चीज उसको कराए ना या दिखाए ना, वहां पे व्याख्यान मतलब उसको बता दे कि पहले ये करो, ठीक है, या मतलब मम्मी खाना ही बना रही है तो कहती है कि ठीक है पहले इसको सब्जी काटो ऐसे और फिर उसमें ऐसे ऐसे फ्राई, ये मसाला डालो ऐसे मतलब करो, तो ये चीज वहां पे ज्यादा रहेगा, मतलब केवल व्याख्यान देना या केवल मतलब बता देना या फिर अवलोकन, अवलोकन मतलब यहाँ पे क्या होता है, मम्मी कोई काम कर रही हैं या पापा कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, बच्चा खड़ा होकर देख रहा है, व्याख्यान मतलब पापा केवल बोलते जा रहे हैं कि ये काम ऐसे करना है या फिर तुम्हें कहीं मार्केट जाना है तो इस रास्ते से चले जाओ और यहाँ पे ऐसे ऐसे है तो तुम पहुंच जाओगे, मतलब उसको ये चीज ज्यादा समझ में आएगी, या फिर अवलोकन है, अवलोकन मतलब उसको दिखा, मतलब उसको हम दिखाते हैं कि देखो हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं तुम ऐसे ऐसे भी करो, और फिर तीसरा आ जाता है यहाँ पे प्रयोगात्मक यानी कि प्रयोग द्वारा, प्रयोग मतलब जब हम बच्चे को खुद कहें कि तुम चलो ये काम करो, तो अब इन तीनों में से वो ज्यादा किससे सीखेगा, प्रयोग से, क्योंकि उसे प्रयोग खुद करने का मौका मिल रहा है, अगर उसे खुद कोई चीज बनाने का मौका मिल रहा है तो उससे क्या होगा, वो भले से थोड़ी त्रुटियां करेगा, त्रुटियां तो करेगा ही करेगा क्योंकि वो खुद से बना रहा है पहली बार दूसरी बार जैसे भी, ठीक है, तो वो त्रुटियां तो करेगा लेकिन वो उसका ज्ञान क्या हो जाएगा, वहां पे अस्थायी हो जाएगा कि इसमें इसने त्रुटियां ये की है तो अगली बार वो त्रुटियां नहीं करेगा, तो यहाँ पे एक चीज आपको और मिल रहा है कि इसका जो है यहाँ पे ज्ञान क्या होता है, अस्थायी होता है, समझ में आया, यहाँ पे जो बच्चा ज्ञान प्राप्त करता है प्रयोगात्मक विधि से, प्रयोग के द्वारा, वहां पे क्या होता है, उसका ज्ञान अस्थाई होता है। इतना क्लियर हुआ आपको। और इसमें सबसे अच्छी बात क्या होती है, बच्चे को क्या होता है इसमें सृजन एवं प्रयोग, सृजन मतलब हम बताया थे क्रिएटिविटी मतलब सृजनात्मक जो क्षमता होती है, एवं उसे प्रयोग, ठीक है, प्रयोग मतलब प्रैक्टिकल प्रयोग करने का मौका मिलता है, ठीक है, और इससे क्या होता है उसमें इसके इस क्षमता का क्या होता है, यानी सृजन और प्रयोग करने की क्षमता का विकास होता है, ठीक। इसमें इसमें एक क्वेश्चन से पूछा था, इससे रिलेटेड था, ठीक है, अभी हम बताते हैं उसको। इसमें थोड़ा सा इसके जो दोष है उसको भी थोड़ा जान लीजिए कि इसमें क्या क्या डीमेरिट्स होती है, दोष क्या क्या होते हैं, ठीक, तो आप दोष अपने आप बता ही सकते हैं या आपको समझ में अगर आ गया है तो आपको क्लियर हो सकता है, ठीक। जैसे कि यहाँ पे हमने बताया कि ये बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन करता है, या प्रयोगात्मक विधि में क्या होता है, हम बच्चों को प्रैक्टिकल लैब में ले जाते हैं और कुछ करने के लिए देते हैं, अब हम जब बच्चों को प्रैक्टिकल लैब में ले गए और कुछ करने के लिए दिए तो वहां पे क्या होगा, ये खर्चीली विधि हुई कि नहीं, बच्चा जो है अच्छा भी कर सकता है बुरा भी कर सकता है, थोड़ा सामान यूज करना ज्यादा भी कर सकता है, कुछ गिरा भी सकता है कुछ तोड़ भी सकता है,
सकता है, तोड़ सकता है, ठीक है, कोई भी गलतियां कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, वो खर्चीली विधि हुई एक तरह से उसका। खर्चीली विधि के साथ साथ ये भी जरूरी नहीं है कि हर विद्यालय में या हर कॉलेज में एक्सपेरिमेंट के लिए सारे उपकरण या सारे सामान वहां पे उपलब्ध हो या फिर उस तरह के टीचर उपलब्ध हो, ठीक है। तो इस तरह से वो खर्चीली विधि हो जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि छोटी कक्षा, अब यहाँ पे छोटी कक्षा का मतलब यह आप समझिएगा, संख्या में छोटी कक्षा, ठीक है। यहाँ पे हम बता रहे हैं दोस्त, चूंकि दोस्त बताना है तो संख्या में, ठीक, संख्या मतलब जैसे नंबर, छोटी कक्षा में ही केवल उपयुक्त है। छोटी कक्षा में उपयुक्त का मतलब होता है कि जब जैसे कि मान लीजिए 50 बच्चों का क्लास है, ठीक है, 50 बच्चों का क्लास है यहाँ पे, तो 50 बच्चों को हम एक साथ कोई एक टीचर एक्सपेरिमेंट कराएगा तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगी। मतलब उसमें डिसिप्लिन की भी समस्या होगी, हम बच्चों को अच्छे से कुछ सिखा भी नहीं पाएंगे और तोड़फोड़ भी करेंगे बच्चे, ठीक है। कोई बच्चा कुछ उधर करेगा, कोई उधर करेगा, यानी कि अगर बच्चे ज्यादा है तो हम उसका यूज इसमें नहीं कर सकते हैं। यानी कि हम केवल टोली बना के इसका यूज कर सकते हैं। अगर हम 5 की टोली बना ले, 5-5 की, या फिर 10-10 की टोली बना ले, जिस तरह से वो टीचर चाहे, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के हम इसको सिखा सकते हैं, ठीक है। यानी कि इसका एक दोस्त क्या हो गया कि वो छोटी छोटी बच्चों छोटी कक्षाओं के लिए ही सीमित है, यानी संख्या में छोटी कक्षाओं के लिए है, ठीक है। और सबसे इसमें और एक इम्पोर्टेंट बात है, ये कुछ प्रकरणों के लिए है। प्रकरण मतलब जो टॉपिक होते हैं, हम हर टॉपिक का जो है किसी बच्चे को एक्सपेरिमेंट नहीं करवा सकते हैं। कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिसको हम एक्सपेरिमेंट नहीं करा सकते, कुछ ऐसे पॉइजन होते हैं या फिर कुछ ऐसे खतरनाक जीव जंतु होते हैं जिसका हम एक्सपेरिमेंट नहीं करवा सकते हैं कि नहीं आप इसका एक्सपेरिमेंट करिए, आप इसको पकड़ के या फिर इसको लाइए या फिर इसका कोई और ऑर्गन्स वगैरह देखिए, या फिर कुछ ऐसे भी पार्ट्स होते हैं या कुछ ऐसे जीव जंतु होते हैं जो हमें नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो कुछ प्रकरणों का ही केवल हम कर सकते हैं, सभी पे हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं। तो ये भी इसका एक तरह से क्या हुआ, इसका दोष हो जाएगा, ठीक। और इसमें अगला क्या हो सकता है कि ये इसमें असीमित समय लगता है, मतलब लिमिट कोई नहीं होता, समय जो है बहुत लगता है इसमें। अगला क्या हो गया, इसमें समय बहुत ज्यादा लगता है, बहुत ज्यादा क्या मतलब कि इसमें कोई नहीं कि हम अगर कह दिए कि ये 40 मिनट की क्लास है तो 40 मिनट में ये प्रैक्टिकल खत्म होगा तो खत्म हो सकता है, ना खत्म हो सकता है, किसी बच्चों को भी प्रॉब्लम हो गई, हो सकता है कोई और भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये जरूरी नहीं कि अगर हम कोई समय निर्धारित कर दिए हो तो वो चीज उसमें खत्म हो जाएगी, ठीक है, तो नहीं हो सकता है। तो इस समय की भी प्रॉब्लम होती है। और फिर एक और इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, अभी मैंने बताया था कि बच्चे तोड़फोड़ कर सकते हैं, कोई एसिड वगैरह कोई कुछ ऐसा केमिकल से बच्चों के ऊपर गिर सकता है, तो क्या दुर्घटना भी हो सकती है। तो यानी कि इसमें दुर्घटना की भी संभावना होती है, ठीक है, दुर्घटना का भी संभावना होती है। ये इसके क्या है, ये इसके दोष आप नोट कर लीजिएगा। जैसे जैसे हम बोलते हैं समझाते हैं तो आप अपने कॉपी पेन लेके बैठा रहा करिए, इसमें आप जो भी हम बताते हैं आप नोट पर इसको कर लिया करिए क्योंकि काफी इम्पोर्टेंट है, ठीक। तो इसमें दुर्घटना का भी डर रहता है। और अगली क्या है, इसमें ये जो है इसका एक आप लाभ कहिए, ठीक है, या इसका दोष भी कह सकते हैं, या फिर इसका दोनों में आप यूज कर सकते हैं। एक ऐसी चीज है, इसको हम कह सकते हैं कि उच्च कक्षाओं में, उच्च कक्षा, अब देखिए इसको हम अगर मेरिट्स के रूप में लें तो क्या होगा, ये अच्छी चीज है कि ये उच्च कक्षाओं में यूज होता है, लेकिन यही डीमेरिट भी बन सकता है कि केवल उच्च कक्षाओं में इसका यूज होता है। मतलब छोटी बच्चों को हम नहीं दे सकते एक्सपेरिमेंट करने के लिए, छोटे बच्चे क्या होंगे, अपने आप को नुकसान पहुंचा लेंगे, तो ये छोटे बच्चों के लिए नहीं यूज कर सकते। लेकिन हाँ, इसका क्या है कि बड़ी कक्षाओं के लिए काफी यूजफुल होता है, बच्चों में सृजनात्मक क्षमताओं का विकास होता है, बच्चे कुछ अलग करने का उन्हें मौका मिलता है, कुछ अलग सीखने का मौका मिलता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्लियर हुई, तो आप लोग को इस सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। प्रयोगात्मक विधि क्या होता है, प्रयोगात्मक विधि में दो चीजों से मतलब ये पूछ सकता है, एक साइकोलॉजी से भी रिलेटेड पूछ सकता है और टीचिंग मेथड से भी रिलेटेड। तो आप हमेशा जानते रहिए साइको में क्या होता है कि बच्चे के व्यवहार को हम क्या करते हैं, जानने के लिए इसमें एक्सपेरिमेंटल मेथड का यूज करते हैं, बच्चे के व्यवहार को जानने के लिए, उसका व्यवहार कैसा है, ठीक है, वह जो है उसका व्यवहार मधुर है या उसका बहुत क्रोधित व्यवहार है, या फिर उसकी रुचि क्या है, उसकी पर्सनैलिटी क्या है, ठीक, ये सब जानने के लिए हम के इसका जो है इसमें एक्सपेरिमेंटल मेथड का यूज करते हैं। और एक्सपेरिमेंटल में क्या करते हैं कि बच्चे के व्यवहार में हम किस तरह से परिवर्तन कर सकते हैं, क्या करके, यानी कि बच्चे को करके सीखने का मौका दें, बच्चे को अवलोकन द्वारा हम कुछ सिखाएं, ठीक है, तो इस तरह से बच्चे के व्यवहार में हम परिवर्तन कर सकते हैं। इससे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी पूछा है, हम एक दो क्वेश्चन आपको बता दें। इसके अलावा भी आप जो है खुद से अनसॉल्व लेके उसमें सॉल्व करते रहा करें, क्योंकि यहाँ पे जो है इतने समय में या इतने टाइम में आपको सारे क्वेश्चन इतने सारे हैं, सीटेट में हर साल पूछता है, टेट में पूछता है, सुपर टेट में पूछता है, तो हम बता नहीं सकते। लेकिन हाँ, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम बताएंगे, इससे आपको क्या होगा कि आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि हाँ ऐसे क्वेश्चन, या आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं या
क्वेश्चंस के कैसे टाइप्स होते हैं। जैसे मैंने कुछ इसमें नोट किया था, कुछ लिखा था, आप लोगों को देखिए समझ में आ रहा है, कुछ दिख रहा होगा कि पहला क्वेश्चन देखिए 2018 में पूछा था ये क्वेश्चंस क्या है। शिक्षक के नाते निम्नलिखित में से आप शिक्षण में वैज्ञानिक विधि, देख रहे ना, वैज्ञानिक विधि के लिए सबसे उपयुक्त समझते हैं। मतलब ये चार ऑप्शन दिया है, अब इसमें वैज्ञानिक विधि से पूछा है कि सबसे उपयुक्त इसमें से कौन सा है, ठीक है, समझ रहे हैं। इसमें पूछा है कि वैज्ञानिक विधि के लिए सबसे उपयुक्त इसमें समझते हैं। तो अब देखिए, अब आप मत सोचिएगा कि आप साइंस के स्टूडेंट नहीं है तो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें क्या लिखा है, शिक्षण में, समझ रहे हैं, टीचिंग मेथड। अब टीचिंग मेथड मतलब आप कोई भी टीचिंग मेथड हो, अगर उसमें वैज्ञानिक विधि है तो वैज्ञानिक विधि को आप किस तरह से समझेंगे। अब देखिए पहला ऑप्शन क्या है, अवधारणाओं के शिक्षण हेतु तकनीकी का प्रयोग दिखाना। देखिए आप जब भी सीटेट में क्वेश्चन पूछता है तो आप केवल हल्के में पढ़ के खत्म मत कर दिया करिए, उसके हर एक एक वर्ड को पढ़ा करिए। यहाँ पे देखिए लिखा है तकनीकी, आप तुरंत कहेंगे शिक्षण हेतु तकनीकी का प्रयोग किया, यानी कि बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन यहाँ पे क्या आपने आगे पढ़ा होगा, दिखाना लिखा है, क्या होता है दिखाना। अब मैंने अभी भी आपको समझाया क्या कि ये अवलोकन विधि, अवलोकन विधि से भी अधिक इम्पोर्टेंट क्या होता है, यहाँ पे प्रयोग होता है, ठीक। तो यानी कि यहाँ पे दिखाने की बात की है तो यानी कि ये आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी दिखाया, दिखाना उपयुक्त नहीं है। अब फिर देखिए विद्यार्थियों को परियोजना देना, परियोजना का मतलब समझ रहे हैं, जो हम प्रोजेक्ट वगैरह देते हैं, प्रोजेक्ट देते हैं ना बच्चों को कि आप करके लाइए, तो विद्यार्थियों को परियोजनाएं देना, प्रोजेक्ट देना। अब अगला पढ़िए, अवधारणाओं से संबंधित गतिविधियों को शिक्षार्थियों से कराना। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कराना, कराना यहाँ पे कहाँ आ गया, करके सीखनो, अभी मैंने बताया ना करके सीखो, उसी पे आधारित है। अगला फिर है विद्यार्थियों को कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करना। देखिए स्पष्ट करने की बात कर दिया तो यानी क्या हो गया, लेक्चर मेथड आ गया। आपको सब एक समझना होगा कि ये होता क्या है, लेक्चर मेथड में क्या होता है, जब हम किसी चीज को स्पष्ट करते हैं, व्याख्या देते हैं, समझाते हैं, समझ रहे हैं। और अवधारणाओं को कराना, जब कराने की बात आए समझ जाइए क्या है, वैज्ञानिक विधि है। और परियोजनाएं देना, प्रोजेक्ट जो हम देते हैं घर से आए करके लाए। अब घर से करके लाने का मतलब थोड़ी ना होता है कि बच्चा करके ला रहा है या कौन करके ला रहा है, कभी कभी क्या होता है उसके घर के दूसरे सदस्य भी कर देते हैं, मार्केट से खरीद के लेके आके दिखा देता है, ठीक है। इसमें सबसे उपयुक्त आंसर क्या हो जाएगा, अवधारणाओं से संबंधित गतिविधियों को, जो भी अवधारणाएं कॉन्सेप्ट है उसको, जो संबंधित जो गतिविधियां हमें करवानी है बच्चों को, खुद बच्चे ही करें, शिक्षार्थियों से हम कराएं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो आप खुद हमें बताएंगे, अगले आप उसमें कमेंट में दीजिएगा कि आपने, आपका किसका आंसर सही है, कौन वैज्ञानिक दृष्टिकोण का नहीं है, इसमें से कौन वैज्ञानिक दृष्टिकोण का नहीं है। इसमें पहला आंसर है अधिक सीखने की उत्सुकता, ठीक है, मतलब कि अधिक सीखने की उत्सुकता वैज्ञानिक दृष्टिकोण का नहीं है। देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। समस्याओं के प्रति व्यवहार में वस्तुनिष्ठता या फिर कठिन कार्य, ठीक, या फिर फोर्थ ऑप्शन है खुला मस्तिष्क। अब आप इसमें से हमें कमेंट में दिखा लिख के भेजिएगा कौन सा इसका आंसर सही है, ए बी सी या 1 2 3 4 करके आप ऑप्शन लिख दीजिएगा, ओके, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए और अनसॉल्व लेके और भी क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। जो भी आपको नहीं समझ में आता आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि क्या समझ में नहीं आता है। और भी बच्चे जो इससे मतलब सीखना चाहते हैं, जिनके पास ऐसा नहीं है कि वो जाके कहीं कोचिंग क्लासेज इस तरह ले सकते हैं, तो आप इसको आप देख के आप उन्हें बता के कहिए कि वो खुद इसमें लगी है, क्या रहा आपका कुछ एम भी खर्च होते हैं, बस आपको कुछ देना भी नहीं है, आपको पढ़ाई करनी है, मेहनत करिए, क्वालिफाई करिए, ठीक है, ठीक है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, घरों में रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।